नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वो एक और नई वीडियो में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के कुछ पुराने मकान कैसे हुआ करते थे, जो राजस्थान में मतलब ये लोकल एरिया लगा दो या काफ़ी सुनसान एरिया है, यहाँ आसपास कोई गांव भी नहीं है। तो यहाँ के पुराने गांव वगैरह, पानी का प्रबंध और मंदिर वगैरह दिखाता हूँ। ये पुराना मेरे को ना एक काफ़ी पुराना मकान दिखाई दिया, काफ़ी पुराना। इसको अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा इसकी पुराने टाइम के क्या क्या चीज़ें हैं। ये मतलब घर है या मंदिर है मेरे को अभी ये क्लियर नहीं है। आप इसकी नक्काशी वगैरह देखना कैसी अंदर से, ये देखिए। और ये देखिए, ये लाल पत्थर है, जो लाल पत्थर ये जो जैसलमेर में तो गोल्डन पत्थर होता है, ये लाल पत्थर है कहाँ का है। और इसकी निकासी वगैरह देखिए, इस पर कुछ लिखा भी हुआ है थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए कैसे फूल वगैरह बनाए हुए हैं। और ये जो पुराने राजा महाराजा टाइप है, ऐसे थोड़ा सर्कल में होता था गुलाई में। और ऊपर देखिए लकड़ी, लकड़ी के ऊपर मिट्टी, ताकि ये कमरे ठंडे रहें मतलब। और ये यहाँ गेट वगैरह लगा हुआ, ये बाद में कुछ है। और ये देखिए मतलब इसका स्ट्रक्चर देखिए, पुराने होते हुए भी उस वक्त कौन सी मशीनें होती होंगी। और ये देखिए, ये खिड़की लगाने का, ये पुरानी लकड़ी की खिड़कियां हैं, इसमें अंदर कुछ रखने का सामान होता होगा, तो ऐसे था ये। और ये सारा लकड़ी है, ये ऊपर लकड़ी है, ये साथ में पत्थर की सपोर्ट लगा रखी है, नीचे इससे सपोर्ट, फिर इससे सपोर्ट, इसके ऊपर ये लकड़ी लगाकर। और ये पुरानी कोई बैटरी पड़ी हुई है, टॉर्च कहते हैं जिसे। ये देखिए ये टॉर्च है, ये पुराने जमाने में हुआ करती थी ये टॉर्च। अब देखना ये टॉर्च, इसमें सेल वगैरह डलते हैं, तो ये टॉर्च थी। और ये देखिए ये कपड़े वगैरह टांगने के लिए किल्ली वगैरह लगाई हुई है, ये काफी पुरानी है, ये जर्जर हालात में। और इसकी लपाई ना ये सीमेंट थोड़ा ऐसी लगा रखा, जैसे हाथ से यहाँ उठा, ये हाथ से उठाकर ऐसे लगा दी, ऐसे लगा रखा सीमेंट। और ये पुराने टाइम की, ये देखिए ये थोड़े आले वगैरह बनाए हुए, ये खिड़कियां जो। और ये देखिए इसमें परले कमरे में जाने का ये छोटा सा बना रखा है जो खिड़की वगैरह। और ये देखिए ये बीच में सपोर्ट लगा रखी है इस पत्थर से, ये लाल पत्थर है। और इसकी निकासी वगैरह काफी अच्छी बनाई हुई है। तो पहले जमाने में मशीनें तो होती नहीं, पर इतनी अच्छी कटाई कैसे कर लेते होंगे। और ये देखिए ये सभी पत्थर है। अब आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। और ये कमरा साथ में ऐसा ही है, बिल्कुल सेम पत्थर लगे हुए हैं, गोल्डन पत्थर है, इसके ऊपर गोल्डन पत्थर लगा हुआ है। और ये ऊपर लकड़ी डालकर, ऊपर मिट्टी, घास फूस डालकर ऊपर मिट्टी डाली हुई है, ताकि ये ठंडे रहें। और ये ऐसे ही कुछ है, कमरे सेम ही है। ये देखिए ये चारों तरफ, ये पुराने क्या पता कितने साल पुराने होंगे, मतलब इसका मेरे को अंदाजा ही नहीं है। ये जर्जर हालत में है और पुराने टाइम के हैं ये जो भी हैं। और एक ये यहाँ कुआं है, ये देखिए ये भी काफी पुराने टाइप का है, ये आधा भर चुका है मिट्टी वगैरह से, मतलब काफी पुराना है, इसी चक्कर में मिट्टी वगैरह से भर गया था। ये पुराने कुएं होते हैं। और आपको दिखाते ये जो पुराने टाइम के मंदिर वगैरह कैसे होते थे। ये मंदिर है जी, देखिए ऊपर झंडा वगैरह। और ये भी काफी पुराना है, ये देखिए अंदर अभी भी पूजा वगैरह कुछ होती है, शिव जी का त्रिशूल अंदर। और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसका मंदिर का। अब आपको एक पानी का वो भी दिखाते हैं, जहाँ पशुओं को पानी पिलाते थे। तो ये है जी, ये पशुओं को पानी पिलाने के लिए ये ऐसा कुछ बनाया हुआ है, ये भी काफ़ी पुराना है और अभी खाली पड़ा है, क्योंकि ये सारा एरिया सुनसान है। यहाँ आपको बस ये थोड़ी बकरी वगैरह चरती हुई दिखाई देंगी सामने। तो ये है जी ऐसा, अब चलते हैं।